कोई बजे गया तो बुलवाड़ डर गई। भाइयो राम राम। आपका अपना चैनल रियल बाबा वॉइस में श्री आजाद सिंह निदान जी। भाई राम राम। आजाद राम राम। सुरेश कुमार राम राम जी। आजाद भाई दूसरा पार्ट चल पड़ा। शब्द कई गालिए भजन गालिए। इब मैं ये चाहूँ हूँ दो चार बात पिंगला भरथरी मत सुना दो। अच्छा छेड़ दो कि तेरे पैर सीरी चलनी चाहिए। ऐतिहासिक बातें। हाँ जी। अच्छा पंडित मांगेराम जी है सुनन का करड़ा जी कर रहे। अच्छा विक्रमा जब क्योंकि कॉलेज में पढ़ता था और जब वो छुट्टी करके घर आया तो दरवाजा खोल के महल में जाता है और क्या कहता है जरा सुनिए। खोल के केवाड़ी बढ़ गया खोल के केवाड़ी बढ़ गया भाभी जी के महल में मैं आया था सैल में खोल के केवाड़ी बढ़ गया भाभी जी के महल में मैं आया था सैल में खोल के केवाड़ी बढ़ गया जब का गोड़ा यो विक्रम से सदा भोला रे पंद्रह सोलह का लवाड़ पंद्रह सोलह का लवाड़ बढ़ गया भाभी जी के महल में मैं आया था सैल में खोल के केवाड़ी बढ़ गया भाभी जी के महल में मैं आया था सैल में खोल के केवाड़ी बढ़ गया भाभी जी के महल में मैं आया था सैल में खोल के केवाड़ बढ़ गया भाभी जी के महल में मैं आया था सैल में खोल के Thank you.
भाभी तर 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 करी पी तर तर करी पी जानू को सासी नागनी भरती नागनी भरती रे धरती ले गई जवार धरती ले गई जवार बढ़ गया भाभी जी के महल मैं आया था सैल में फोन कह के वार बढ़ गया भाभी जी के महल मैं आया था सैल में फोन कह के वार हर के गुण गाए सुबह श्याम गाए सुबह श्याम आज मारे बने गगड़ गे काम मंगे राम झुका के नारे मंगे राम झुका के नारे बड़ी जा भाभी जी के महल मैं आया था सैल में फोन के जवार बढ़ गया भाभी जी के महल मैं आया था सैल में फोन के जवार कमाल कर दिया कमाल बोलो तू आ गया रे अरे नाश करना तू ही बोली बिना डटे ना आजाद जी हाँ जी हाँ जी सीन पौड़े आ जाओ उससे आगे चलो सीन फिल्म को आगे चलाओ अच्छा मांगेराम जी ने जो बनाई छटोरी हाँ जी हाँ जी तो आगे क्या हुआ तो दरवाजा जब उसने खोलिया तो अंदर जो है गुड़शाला का सैयस और रानी पिंगला दोनों चौपड़ सार खेल रहे थे और जिस उन्होंने देखा कि मेरा देवर आ गया तो उस सैयस को अंदर सोफे में छुपा दिया कि सोफे में लको दिया वाह बन गई तो मंदलानी वाह दिया बिक्रमाने वाले भाभी क्या बात है मन तो कुछ ऐसा लगता है कुछ पराया आदरी आदमी हमारे महल में आज घुसा हुआ है नालायक छोटा मुंह बड़ी बात हमारे महल में कौन आ सकता है नहीं भाभी मैं झूठ नहीं बोलता और मेरी बात सुनिए क्या कहने लगे भाई तो रखा नहीं नहीं क्या कहने लगे भाभी ते अच्छा और हाँ बोलो तो रहा गया हाँ बोलो माजे जी आए बोल सुनिए बीच में ना बोलिए बोल ले के मैं बोलना नु बोला के कर दी है रा फेरी भाभी के कर गी है रा फेरी भाभी चोर की तरह तेरा छोटा देवर चक्रम देख और की तरह कर गी हेरा फेरी भाभी चोर की तरह छोटा देवर चक्रम देख और की तरह महल में दिखे कोई इंसान एरी भाभी मन तू लगी बेईमानी एरी मन तू लगी बेईमानी किसे टेढ़े कर लिए कानरी पपड़े टेढ़े कर लिए कानरी पपड़े मोर की तरह छोटा देवर विक्रम देख और की तरह कर दी हेरा फेरी भाभी चोर की तरह
जन्म दे मातमरी सतना बड़ी खोटी कुबद करी सै येरी तना बड़ी खोटी कुबद करी सै और घर में आगी दरी से सलगती घर में आगी दरी से सलगती कोर की तरह तेरा छोटा देवर विक्रम देख और की तरह करी तेरी भाभी कर गई हेरा फेरी आज तू बात बता दे मेरी आज तू बात बता दे मेरी मंगे राम रागनी तेरी मंगे राम रागनी तेरी ओ मोहर की तरह छोटा देवरी विक्रम देख और की तरह कर गी हेरा चोर की तरह माशा जी। हाँ जी मंगेराम जी का एक कमाल और लग है मने हाँ जो सामाजिक और घर के भीतर का ज्ञान है ना गणा के सुता गाया गया बढ़िया मांगेराम की कविता और एक तो जो दो बीरा रोला है ना किसे निमना गाया हाँ मेरे ख्याल भगत भोगी था यो सही है कि दो बीर थी दो बीर थी और बन की बन मार रखी है घर में अच्छी ना लगाई दो पिलाई दो चला पाई बात पर हम पिंगला भरतरी पा हाँ पिंगला भरतरी सिसना गन सरकाओ थोड़ी थोड़ी अच्छा ठीक ये सीधा हो जाएगा दूध बोलो राय ना गणा गरम है ना गरम गरम ठीक है इतना हाथ भी ना लगता हाँ हाँ कोई नहीं ठीक है गरम ठीक है कर दे आपको ओ शीला मिला दे शीला नहीं तो मिल गया ना ठोक के मैं जो मैं शीला मिला लूँ गरम चाहिए आपका मुझे बड़ा टॉय बना सही ओ मेरे नंबर लगा मत सही सही दिया माशा जी वहीं पर अच्छा मैंने एक बात बता हाँ जी ये जो संगीत गाना और सुनना एक बार मैं मास्टर सतबीर जी के पास बैठा था मैं बोला मास्टर जी आप तो गणा मजा तो मैं ले गया बोला कि डाल मैं मास्टर जी हम तो घबरेटे है थे आप जो है शरकत और लंगोट बांध रहा दुब्बड़ धन कबड्डी की टीम ले जान ला रहा दिन में तो कबड्डी खिला के लिया रात ने गाना गाया आपका हर एंगल से गाने का स्वाद न बोले हमने भी लिया मैं आपने लिया पर हमने हर एंगल से लिया तो मान गए न बोले हाँ भाई श्रोता बद बद है वैसा है सुरेश जी हाँ जी ओके ऑडियंस को पब्लिक को जनता को जब आनंद आओगा जब गाने वाले को आनंद आएगा हाँ ये तो है एक दूसरे पूरक हैं पूरक हैं दोनों है ना हाँ जब मगन हो जाएगा ना गाला गाने वाला हाँ। तो समझो जनता ने मजा आ रहा है पर गण ये बताऊं बात क्यों पड़े हैं ना स्वाद आता है रोड़ा करके किलकी मार के ले अपने पूरे कर ले और गाने वाला ऐसा नहीं कर सकता ठीक बात मैं ये कह रहा हूँ माशा जी ये तो एक थोड़ा हम खोल की बात हाँ हो जाता है मैं ये कह रहा हूँ ये संगीत पीढ़ी दर पीढ़ी खून में चला है खून में चलता है तो अच्छा हाँ बिल्कुल जो आजकल आप जैसे गाने वाले हैं उनके बदले भी गाने थे तो यही तो बात है पीछे से कोई ना कोई गाने वाला मिलेगा अच्छा जी जब उसके अंदर वो जो है वो संगीत पैदा हो गया है या गाने वाला या श्रोता श्रोता कोई ना कोई है रमक है, जरूर रमक है ये सही बात हाँ तो माशा जी हम वहीं आगे हाँ पिंगला बच्ची पे हाँ हाँ तो वो रानी पिंगला ने उसको दो चाटे मार के तू ऐसे ऐसी बातें करता है विक्रमा धमका दिया भगा दिया बालक हाँ अब रोता हुआ जो है अपने भाई क्यों भाई की मरोड़ हो गया रहे भाई बर्थरी तो रह गया रोने लग गया उसके दौरे लग गए नूलर भाई के बात से क्यों रो है बर्थरी शराब का ज्यादा आदि था हरदम से मरा आया करता नूलर आ जा न मेरे यार क्यों रोन लाग रहे आ जा एक पैग ला ले नूबल पैग पैग के मैं तो पूरी की पूरी बोतल पिया है आज
मिला वो कहाँ पी आया भाई, तू कित पी आया भाई, मैं तो पी भी लूँ, तू कड़ा पी का आया। मेरा मेरी भाभी ने महल में ठेका खोल रखा है, उड़े पी आया। मेरा रन्यू कुकर बतलाया, इनडायरेक्ट समझाना चाहो, इनडायरेक्ट है। तो बोला भाई पूछना चाहो है, अरे बोला तेरे राज के अंदर अरे बर्थरी और यो कदर फंडे या ना लाइक की या बदतमीजी, सीन देख कर है, सीन देख कर है। बोला रे वो कुकर, बोला सुन मेरी बात, ये छोरा के कहने लग गया। बोला रे शेरा के खाजे मयार जमने करता शाल खिलारी देखा रजपूता की औरत गलिया बाजी करता यारी देखा शेरा के खड़े माया जुमना करता शाल खिलारी देखा रजपूता की औरत गलिया बाजी करता यारी नुवला रत पिंगला कई कई बार रोक ली उसने तबीयत खूब जोंक ली रे उसने तबीयत खूब भाई खाखा रिश्वती जेब ठोकली खाखा रिश्वती जेब ठोकली ईसा हुक्म सरकारी देखा अरे तेरे राज में सरेआम मन करता चोर जवारी देखा शेरा के खाड़े माया जुमन करता शाल खिलारी देखा रजपूता की और खड़े देखे थे लोग सर के मेरा तो छींटे लगे थे जहर के और बिना पंख भाई बिना पंख और बिना पर के लेता पहाड़ी उड़ारी देखिया रे कुएं में डूब के मरना वो होगा यो गंगा जल भी खारी देखा शेरा के खड़े माया मन करता श्याल खिलारी देखा रजपूता की औरत गल्ला पाजी करना यारी देखा और विक्रम देख देख कदर लिया क्यों तने पेट गुजारा करना हो घास बेचे जा और विक्रमा एक एक सांस खेचे जा विक्रमा एक एक सांस खेचे जा भाई घर में रानी मांस बेचे जा भाई घर में रानी मांस बेचे जा भाई खसम परचारी देखा मंगे राम जमाना छड़का कोई कोई लोग बिवारी देखा शेरा के खाड़े माया जमने खिलारी देखा रजपूता के और निदान साहब। हाँ जी अरफ तो सादे हाँ और गहराई इतनी के समझनिया का सरजा गला सरजा जो सपोर्ट ये दिमाग ने घुमा दी है बात है। अगर यह चौथी के लिए खोल दी ना चौड़ा पैट क्या बात है क्या बात है कर रखा है और समझ लियो भाई आप पर समझ लियो हाँ या भूंडे मारे मुंह तक क्यों क्यों को आ हाँ भूंडे है और क्या छोई दी तो नु बोला रे भाई क्यों रोवे तू आजा तेरे लाड करूंगा मैं नु बोला रे बर्थरी तू मेरे लाड करेगा अरे मेरे लाड कनिया तो जाली दुनिया में ओ वार अग्नि आ गई हैं वो आ गई अरे आ गई भाई आ गई अरे हां तेरा वाली आ गई
अरे सुन मेरी बात है के कह ला गया छोरा राजा भर्तृहरि दे बोलू टू बोल पे आएगा करदा तू ओम रे भाई मर गए भाई रे लाडी करनिया मर गए ओ भाई रे मेरे लाडी करनिया मर गए और टंगला भाभी मेरे ओ मारण आई मन सोची पूछी कारण आई मेरी रे आबरो ने तारण आई ओ मेरे भाई रे मेरे लोग चोगर दे फिर गे भाई रे मेरे लाडी करनिया मर गे ओ भाई रे मेरे लाडी करनिया मर गे राजपाट धन दौलत थारा इस घर में ना मेरा रे गुजारा माता पिता ने स्वर्ग सदारा माता पिता मन तेरे रे हवाले कर गे ओ भाई रे लाडी करनिया मर गे भाई रे मेरे घर में ना चना मारी मैं लागू ठगी चोर सवारी पिंगला लगत ने प्यारी ओ पिंगला लगत ने जीत प्यारी वे शेर पिंजरा ओ भाई मेरे लाडी करनिया भाई रे मेरे लाडी करनिया मंगे राम ते न्या करवाले कुण बोला के गा करवाले नू बोली जले ब्याह करवाले मेरे नैने नीरते भर गे ओ भाई मेरे लाडी करनिया मर गे भाई रे मेरे एक चाणा और है जिसा भाव उसी तरज उसी तरज ये भी पकड़ चिंगाड़ लागे थी और सुर में चिंगाड़ भी सुर में ईब जब आप ये टेक ले थे ना वह चिंगाड़ लागे थी जनु तो रोन लाग रहा है चाड़ा कर दिया मासे जी रोज की।
एक बीमारी और लगी पंडित लक्ष्मी चंद जिया के जो सांग करे उसकी लाइन तो अगर ने चला दी तुलेराम जिया ने, फिर विष्णु दत्त जिया ने, धनपत जिया की चला रहा है उसका पोता और नून अपना गोरड का के दायो इनकी भी चला रहे हैं। ब्रांच वही थी, मेन जड़ वही थी लक्ष्मी चंद जिया, पर मांगेराम जिया की ब्रांच इसने कोई नहीं चला रहा। मांगेराम की ने क्योंकि विष्णु तो मांगे करता ही नहीं चल रही है। अच्छा हाँ खूब चल रही है, मांगेराम के सांग प्रणाली खूब चल रही है। सांग हो रहा है खूब त्यागी सौरा त्यागी उसी का तो प्रणाली का है त्यागी। हाँ उसका क्या नाम लक्ष्मीचंद का चेला, लक्ष्मी पंडित जी बम्बे वाले पंडित लक्ष्मीचंद का चेला, उसका चेला है सौरा त्यागी। अच्छा अच्छा सौरा गणिया ही पड़े हैं एक उसका भंजा भुंजा भी बताओ देखो। हाँ भंजा भी गाँव है, वो भी गाँव। हाँ बम्बे वाले के सांग मन देखे हैं भाई। ये बात बढ़िया बढ़िया डटियो ठरियो उसका बोल एक बन पब्लिक छोड़े यार दिनों कई बात है रोब था रोब तक में ला का आया करना मतलब पब्लिक पर इंप्रेशन पड़िया रहा। हाँ पड़िया करना आकर्षण था। हाँ बाप पढ़ो मैं तो इबी भी कराऊँ सब ना खूब कराऊँ बाप पढ़ो सारे जितने भी संगे हैं सारे बुलाऊँ। तो मासी जी सीन कड़ा आ गया, सीन आ गया वो मतलब तू मेरे के लाड करेगा, लाड करनी तो जाली मेरे माँ बाप थे जो तू तो उसका हकमा है तू तो उसने मानना है कि दारू ना मानना है हैं और तू तो उसका बीरवान ये कह में चल लगा मेरी क्यों मानने लग गया तू हैं ज्यादा आवश्यकता। हाँ सब वो मान गया वो नु बोला भाई बात सुन विक्रमा भाई वो चलिया मैं उसका न्यू बता कितने लठ मारूं मारू लठ तू उसका भाई मेरा तो तसली तो हो गई तू उसका जाकर सौ लठ मारे छतरी सौ लठा मत झोटा पसर जावा देख मारी मिली वीरबानी से उड़े बदल गया ले और फिर सुन भाई ले जो चलिया मैं गुस्सा में भर के चल पड़ा अरे इस बात के द्वारा क्या कर लगे सुनिए बोलिया को छतरी पोच ग्यारण वास गोपनी सी बठी पिंगला बंदी खड़ी पास में बोलिया को चलिया छतरी पोच ग्यारण वास गोपनी सी बठी कंगला बंदी खड़ी पास में अरे बूंदी कार करया करे बूंदा बरे जा सदा बेईमाने का कुंडा अरे बरे जा सदा बेईमाने का कुंडा अरे छत्रापन का भाई छत्रापन का सजनों उठे था आकाश में गोपनी सी बैठी पिंगला नू बंदी खड़ी पास में बोलिया को चलिया छतरी पोच ग्यारण वास में गोपनी सी बैठी पिंगला बंदी खड़ी पास में बात करे थी मीठी मीठी एरा मद जोबन की बड़ा थी अंगीठी जोबन की बड़ा थी एरा लंबी लंबी ओ लंबी लंबी गेटी भाइयो लंबी लंबी गेटी जानू कोई गलरिया दूध गिलास में गोपनी सी बैठी पिंगला बंदी खड़ी पास में अरे बोलिया कौन चलिया छतरी पोच ग्यारण वास में गोपनी सी बैठी पिंगला बंदी खड़ी पास में आंगली मूंगफली तो मोटी आख थी मृगा के भी छोटी आख थी
नागनी सी चोटी लोगो, नागनी सी चोटी लोटी, नागनी सी चोटी लोटी, सामने कैसे घास में गोपनी सी बजी टंगला बंदी खड़ी पास में, तेरे बोले को ना चले छतरी पहुंच गया रणवास में, गोपनी सी बजी टंगला बंदी खड़ी बोलो जाइए एक बार चलो चलो आप चली जाओ मंगे राम धर्म का डोर या पपन कृष्णा चतन चोर कृष्णा चोर ओ पार्वती का ओ पार्वती का धोर जानू भाई शिवजी तपे कलाश में गोपनी सी बठी पुंगला नू बंदी खड़ी पास में कोला कोना चला छतरी नू पहुंच गया रणवास में गोपनी सी बठी पुंगला बंदी खड़ी। सुंदरता का वर्णन तो मंगेराम जी ने भी खूब कर दिया और नागनी सी लोटी नागनी सी चोटी लोटी सामने कैसे घास में सामने में लाइक पड़ी रह रहे थे मेरे अरे रे घास दूध था गिलास में तोड़ ये सारे कैसे दे रखे हैं है? कमाल कर दिया पंडित मंगराम जी गाठ नहीं थे हैं बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया है। तो सुरेश कुमार जी और जोटा मारिया बतेरा तो मेरे ख्याल में एक कृष्ण कितने भेड़ तो दो एक भजन और सुना एक और अच्छा आके में एक भजन और तो वह पड़ी थी अपने पिंगला रानी मन मन आना ले और जाकर ने देखा को हो उसका लाया हाथ चमक के पड़ी एकदम अब के बात इस दोनों के सवाल जवाब हो से ऊपर थली और इसने लको के ले जाओ देश रागिनी ने करुती है उठ क्यों तला पड़ी मेरी नारी तो पड़ी मेरी नारी सब ने गाया पर आपका ले जा लगा होगा मन देखिए ले जाओ यही तो होती है अलग अलग सब कलाकारों की अलग अलग वैरायटी अलग अलग जो करामात अलग अलग तरीके ढंग नरे एक बार शुरू में गाई थी वाह बोल के कवाड़ पड़ गया हां तो फिर नरे मजा आया और ये इसमें भी देखा है और ना या पूर्ण भगत मत है इसमें फट कर दी अच्छा हाँ उठ क्यों तले पड़ी मेरी नारी मना मत ना छेड़े भर तारी तेरे तो बोला ना जाती अंधेरे गुबार महल में दीवाना बत्ती उठ क्यों पड़ी मेरी नार मन बोला ना सती अंधेरे गुबार महल में थारा बीरा का उल्टा हो मता उल्टा हो मता ये मैं पढ़ूंगी कुआ में तन लाग जा पता लाग जा पता वो पता कौन खता मेरी से इब तक करी शर्म तेरी से ना अपने पीर चली जाती घर घर मजूत मार लो बाहरी से मान सपन चाती
बंदर से घर का, बंदर से घर का, इस जिंदगी पंडा छुटेगा मर के, छुटेगा मर के, वो करके जा बैठ समाई थारी बनवा की बनूंगा, वो करके जा बैठ समाई थारी दोनवा की बनू लुगाई, ना मेरी ओड बड़ी हसी अरे किसने कह दिया बतलक तू रो रो डकराती क्यों तड़े पड़ी मेरी नाल हवेली, ओ महल हवेली बाग बावड़ी सब तेरी जादान, सब तेरी जादान, तेरे बुलाने ग्यार गई मेरी छाती के मरा, बाद तेरे तके प्यारा से यो सब शहर नगर थारा से, अरे ना मेरा कोई साथी अरे किसने कह दिया तलक तू रो रो टकराती क्यों तड़े पड़ी मेरी नाल ठहर तू काले मुंह की नागी तेरे इस विक्रम सिंह ने आग लगा दी देर कर पति ओ मंजे राम तू देख लिए मैं सीढ़ी सकता थी उठ क्यों पड़ी मेरी नाल मना मती ना छेड़े भरतार तेरे ते बोला ना चलती तेरे जबार महल में लो जी सुरेश कुमार जी मासे जी तो, एक वादा करके बैठे थे हाँ, बब्बा का एक शब्द सुनाओ और एक वादा पूरा कर उड़े बैठे बैठे संगत करे जाइयो ना इस वीडियो बजावेगा अच्छा सारा रंग है ओ क्या बात है शब्द रोल मार गया बाबा मारी अच्छा हाँ जब कई शब्द थी ले ले आजा बाबा मासे जी का बैठकर गाऊं बड़ा वाह अरे क्यों खोलो बार बार खोलो ना भाई मैं टैक्सी करने शुरू करो महाराज
सच्चे दरबार की जय हो। हो बंदे सत्य गुरु मालिक की।